गाइस स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं आ गया हूँ माँ कालका जी मंदिर के दर्शन करने। तो गाइस आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ का टिकट कितना है और कैसे कैसे दर्शन होंगे, तो भाई सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। गाइस वीडियो अगर आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को दोस्तों मंदिर में जाने से पहले हम लोगों को जूते उतारने पड़ते हैं जिसका एक छोटा सा शुल्क लगता है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, तो अभी और अंदर जाना होगा। तो भाई मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, मंदिर के अंदर ये पॉलीथीन वाले प्रसाद मत लेके जाना। एंट्री कर रहे कालका जी मंदिर में, तो भाई टाइम का पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, और चल रहे फटाफट भाई। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे पॉलीथीन वाला प्रसाद लेकर अंदर मत आए क्योंकि ये चढ़ा हुआ होता है, चढ़ता है बस, इससे आगे प्रसाद नहीं जाता। तो आप प्रसाद लेकर बिल्कुल भी मत आए क्योंकि यहाँ लिखा है प्रसाद यहीं पर चढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो मंदिर है कालका जी मंदिर, ये समर्पित है बिल्कुल काली माँ को। और दोस्तों दिल्ली का कालका जी मंदिर बहुत ही प्राचीन है, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान प्राचीन हिस्से का निर्माण मराठों द्वारा 1764 ईस्वी में किया गया था। बाद में सन 1816 ईस्वी में राजा केदार के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों आइए चलते हैं और माँ काली के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों नवरात्रों और सैटरडे में यहाँ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि मैं तो नवरात्रों में आया, तो देखिए आप सिक्योरिटी कितनी देख सकते हैं टाइट है, और भाई भीड़ भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये नवरात्रों का सीन है और सैटरडे में भी यही हाल रहता है। तो भाई यहाँ पर लिखा है कि प्रसाद अपने घर से लेके आए हैं, यहाँ से पॉलीथीन वाला प्रसाद लेकर मत चढ़ाए। माँ कालका जी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं मंदिर के और भी भगवानों के दर्शन कराते हैं। तो भाई यहाँ देखिए ये, तो दोस्तों मंदिर में आपको भोले शंकर की एक बहुत अच्छे शिवलिंग देखने को मिलेगा और यहाँ, और दोस्तों ये शिवलिंग पूरा पंचमुखी है। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं मंदिर के अंदर और कौन कौन से भगवान हमें देखने को मिलेंगे, तो चलिए खाते हैं आपको पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कालका जी मंदिर के इतिहास के बारे में, ये यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ। तो यहाँ बताते हैं जहाँ पे कालका जी मंदिर है इसके पास ही कुछ देवी देवताओं के मंदिर थे, जहाँ पे दो राक्षस यहाँ आकर उन देवी देवताओं को पूजा करने विघ्न डालते थे। उन देवताओं ने परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने बताया कि आप माँ पार्वती के पास जाओ और वहां से आपको समाधान मिलेगा। तब वे देवताएं माता पार्वती के पास जाते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं। माँ पार्वती उनकी बात सुनती है और माँ गौरी को भेज देती है। माता गौरी जब वहां लड़ते लड़ते थक जाती है, जैसे भी वे राक्षसों की खून की बूंदे नीचे गिरती है वो उनमें से एक राक्षस प्रकट हो जाता है, तो ऐसे ऐसे थक जाती है। तब फिर माता पार्वती माँ काली का रूप लेकर वहाँ पर जाती है और माँ काली उन्हें सभी राक्षस को मारकर उसका खून पी लेती है। तब से ही ये माँ काली को समर्पित है और यह इस मंदिर को कालका जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब आपने इस वीडियो में माँ कालका जी के भी दर्शन कर लिए और मंदिर के बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको यहाँ का और बाहर के नज़ारे कैसे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर या बाहर देखेंगे तो आपको एक पॉलीथीन वाला प्रसाद देखने को जरूर मिलेगा कि ये बैन है, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पे जो ये पॉलीथीन में प्रसाद लेते हैं ये चढ़ा हुआ प्रसाद होता है, तो आप ये लेकर अंदर मत जाइए। और यहाँ से जो ये सिंदूर वगैरह भी होते हैं ये सब स्किन पे रिएक्शन कर सकते हैं, तो बाहर से ये कोई भी सामान आप ना लगाएं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है कालका जी मंदिर, तो कालका जी मंदिर से आप कुछ ही पैदल की दूरी चलकर पहुँच सकते हैं वहाँ कालका जी के मंदिर में। तो दोस्तों मंदिर के दो या तीन चार गेट हैं और इनमें से एक VIP गेट भी है। तो जैसे दोस्तों मैं मंदिर के बाहर घूम रहा था तो भाई मुझे देखने को मिला ये छोटा सा बच्चा, और भाई इसकी जो ये पेंटिंग हो रखी थी भाई कितना सुंदर लग रहा है, और ये गांधी जी का रूप लेकर बैठा है यहाँ पे, तो भाई ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोगों को ये बच्चा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नवरात्रों में और सैटरडे के दिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और मैं आया हूँ नवरात्रों में, तो नवरात्रों में तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है और यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।